और नमस्कार आज हम सबका सौभाग्य है कि जयपुर की, की धरती पर गुलाबी नगर के अंदर आना हुआ है पूज्य प्रेम अनवेक्षी स्वामी जी का और हम उनका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं क्योंकि आप धर्म पे आध्यात्म पे सनातन पे और जीवन मूल्यों के ऊपर आधारित पूरी दुनिया के अंदर निकले हुए हैं उन विषयों को लेकर जागृति के लिए तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस जनता दरबार के चैनल के ऊपर भी अभिनंदन है और एक प्रश्न करना चाहूँगा साधारणता जी व्यक्ति के मन में रहता है कर्म क्या हैं ये कर्म गीता के अंदर भी कर्म शब्द आता है हम नियमित रूप से कर्म करते हैं ये भी आता है तो ये वास्तव के अंदर कर्म क्या है इसके बारे में आप कुछ प्रकाश हमारे श्रोताओं को साझा करें कर्म कर्म शब्द जो है उसका बहुत महत्व है और कर्म क्या है ये प्रश्न मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूँ और उन्हें बताता हूँ कर्म तो मनुष्य का सबसे पहला कर्म है उसके विचार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ यदि एक मनुष्य किसी के घर जाता है वहाँ पर उसकी खूबसूरत पत्नी को देखकर उसके मन में विचार गलत आ जाते हैं तो साधारणतः है, प्रैक्टिकल लाइफ में अपराध हुआ क्या नहीं क्योंकि उसने कुछ किया नहीं उसने सिर्फ सोचा है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपराध हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से अपराध हो गया अब उस मनुष्य को क्या चाहिए उसे सिर्फ एक अवसर की आवश्यकता है क्योंकि विचार उसके अंदर पनप चुका है तो आपका हर विचार आपका हर विचार जो है वो एक पोटेंशियल सीड है वही कर्म की शुरुआत है वही प्रथम कर्म है तो बहुत से लोग अक्सर ये बोलते रहते हैं कि मैं तो सब काम अच्छे कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं उसका कारण क्या है कि उनके विचार प्रदूषित हैं विचार प्रदूषित हैं आपके जो विचार होते हैं वो एक पोटेंशियल सीड हैं वो पोटेंशियल सीड कैसे हैं कि यदि आप मुट्ठी भर बीजों को लेकर जमीन पर अगर फेंकेंगे तो हर बीज जो है वो पौधा नहीं बनेगा क्योंकि उस बीज को एक मिट्टी चाहिए पानी चाहिए खाद चाहिए रोशनी चाहिए उसके बाद ही वो पनपेगा ठीक वैसे ही आपके मन में बहुत सारे विचार रोज पैदा होते हैं हो रहे हैं अनवरत आ रहे हैं ये विचार जो हैं, ये पोटेंशियल सीड हैं ये पोटेंशियल सीड हैं। तो जब भी आप अपने विचारों को देखने लगते हैं आप अपने सीड्स को अपने तो हर विचार में एक पेड़ छुपा हुआ है हर बीज में एक पेड़ छुपा हुआ है तो हर विचार जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण कर्म है अब उसे सिर्फ आवश्यकता क्या है आपके ध्यान की उसे आवश्यकता है आपके थोड़े से समय की और माइंड स्पेस की और वो बीज परंपने लगेगा तो जो भी बीज आपने फेंके थे सभी बीज जो है वो पौधा या पेड़ नहीं बनेंगे लेकिन जो भी पेड़ बनेगा क्या वो बिना बीज का होगा वो बिना बीज का नहीं होगा बीज अवश्य होगा तो आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं आपके जितने भी कर्म हैं वो आपके विचारों से प्रभावित होते हैं और आपके विचार ही कर्म पैदा करते हैं तो इसलिए पहला कर्म पहला कर्म आपके विचार हैं तो जो आपने प्रश्न पूछा कि कर्म क्या है कर्म आपका विचार है ये विचार ही हैं जो कर्म पैदा कर रहे हैं इसलिए अब ये प्रश्न उठता है कि क्या विचारों के ऊपर भी किसी की सत्ता है क्या विचारों के ऊपर भी किसी की सत्ता है तो गीता में भीम को भाव रूप में दिखाया गया है भाव जो है वो भीम है भीम के अंदर दस हजार हाथियों की ताकत दिखाई गई है लेकिन बुद्धि थोड़ी कम दिखाई गई तो भाव जो होते हैं उनमें गजब की शक्ति होती है जब मनुष्य भावों में आ जाता है तो सीना तान कर खड़ा हो जाता है देश के लिए गोली खा लेता है और कहता है कि मार दे गोली दशरथ मांझी बन जाता है पहाड़ काट देता है भावों में आ जाता है तो तो भावों में बहुत शक्ति होती है और भाव ही हैं जो विचारों को अच्छा या बुरा बना सकते हैं तो भावों की जो शक्ति है और इसे रामायण में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी रामायण में, में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी जैसी भी आपकी भावनाएं रहेंगी वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही दुनिया आपको दिखाई देगी अच्छे भाव होंगे तो अच्छे विचार पैदा होंगे बुरे भाव होंगे तो आप बहुत कम उम्मीद कर पाएंगे कि अच्छे विचार पैदा होंगे तो भाव जो है भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विचारों से तो अगर आपको कर्मों को निर्धारित करना है विचारों को निर्धारित करना है तो आपको सबसे पहले अपने भावों पर अपने इमोशनल बैलेंस पर काम करना पड़ेगा आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि आप अपनी भावनाओं को विषम परिस्थितियों में भी सम कैसे रख पाए विषम परिस्थितियों में कोई आपको सामने से गाली दे रहा है आप शांत बने रहें जीवन में कोई दुर्घटना घट गई आप शांत बने रहें नुकसान हो गया आप शांत बने रहें तो जैसे ही आप शांत होना सीख जाते हैं वैसे ही बाहर का तूफान जो है वो शांत होने लगता है तो बाहर होने वाली उथल पुथल जो है वो रुक जाती है बाहर होने वाली उथल पुथल रुक जाती है यदि आप शांत हो जाते हैं तो विचार एग्जाम्पल के लिए कि यदि आप बहुत अच्छे मूड में बैठे हैं अच्छे भावों में बैठे हैं और आपका ड्राइवर आपसे आके कहता है कि सर हाँ गाड़ी कहीं लग गई तो आप बहुत अच्छे विचारों में आप क्या कहेंगे चल कोई बात नहीं हो गया हो गया और मान लो कि आप किसी से लड़के झगड़ के युद्ध करके बैठे और उस समय पे आपका ड्राइवर आए और कहे कि सर गाड़ी कहीं लग गई तो बिचारे की नौकरी गई हो सकता है जूते भी पड़ जाए है ना तो ये भावों भावों की कार्यस्थानी है जो विचारों को पैदा कर रही है तो भावों पर कार्य करना बहुत आवश्यक है तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारे भाव जो हैं वो सम बने रहें हर्ष से भरे रहें, खुशी से भरे रहें, स्माइल से भरे रहें, और जैसे ही हम भावों पे काम करने लगते हैं हम देखते हैं कि विचार अच्छे आने शुरू हो गए और जैसे ही विचार अच्छे आने लगते हैं तो जैसे ही विचार अच्छे होते हैं कर्म बुरे नहीं हो सकते कर्म जो है विचारों का प्रतिफल है पहला कर्म विचार है इसलिए जैसे ही आप विचारों को सुधारते हैं आप का जो फिजिकल एक्टिविटी जिसे आप कह रहे हैं जो अक्सर लोग कर्म की बात करते हैं वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी वो प्रतिफल है आपके विचारों का तो पहले सबसे पहले भाव पर काम करें फिर विचार पर काम करें कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे यही कर्म है बहुत सुंदर एक सहजता से गहराई के साथ में जो आपने आज कर्म के बारे में बताया मुझे लगता है कि हम सबको लाभ देगा लेकिन इस लाभ के साथ में कुछ और जिज्ञासाएं भी खड़ी हो जाती है कि और व्यक्ति जानना चाहता है कि ये भाव पे अब कैसे काम किया जाए इसकी शुद्धि कैसे की जाए एक तो हम निश्... अगले प्रश्न के अंदर फिर मिलते हैं और पुनः अगली कड़ी में आप इस प्रश्न के लिए आप पुनः बने रहिए जनता दरबार के साथ बहुत बहुत आभार के साथ अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं धन्यवाद